उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित बताई जा रही फिल्म जिला गोरखपुर का पोस्टर रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया है। मेरठ में भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर ने मेडिकल थाने में फिल्म के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिला गोरखपुर नाम से एक फिल्म का पोस्टर कल रिलीज किया गया। इस पोस्टर में एक व्यक्ति को भगवा कपड़े पहने और हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़े दिखाया गया है। पास ही एक गाय भी खड़ी दिखाई गई है। सामने मंदिर है। इस पोस्टर के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया। इस मामले में मेरठ दक्षिण से भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर ने आपत्ति जताते हुए एक तहरीर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को दी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से पोस्टर दिखाया गया उससे समाज में गलत संदेश जाता है। पोस्टर से समाज को बांटने और हिंदुत्व को लेकर गलत संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। इस तहरीर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद रात को ही मेडिकल थाने में फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर फिल्म के निर्देशक विनोद तिवारी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर जानकारी दी है कि वह ये फिल्म नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म को गलत तरीके से देखा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।